शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम उदयपुर के रहवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ रात को 3 बजे से ही बूंद बूंद के लिए हाहाकार हो रही है। ग्रामीण पानी के इंतजार के लिए कई किलोमीटर दूर से पानी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन पंचायत की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ना तो पंचायत के द्वारा उनके यहाँ पानी पूर्ति के लिए टैंकर भेजे जा रहे हैं और ना ही बिगड़े हैंडपंपों को सुधरवाया जा रहा है। ग्रामीणों को उनके ऐसे ही हाल में पंचायत छोड़ रही है, जबकि जल संकट विकराल रूप गांव में ले रहा है। जल संकट से निजात दिलाने के लिए उदयपुर के निवासी मंगलवार को जनसुनवाई में एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे। शहर में भीषण गर्मी के चलते लोग हलाकान हो रहे हैं और ऐतिहासिक नगरी उदयपुर के लोग इस गर्मी में जल संकट से जूझ रहे हैं। उनके प्यासे कंठों के लिए उन्हें पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों को पानी का इंतजाम करने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, रात भर जाग जाकर पानी की पूर्ति करनी पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा इन रहवासियों के यहाँ कोई टैंकर नहीं भेजे जा रहे हैं और बिगड़े हुए नल को सुधरवाने के लिए भी कोई आदेश अभी तक नहीं दिया गया, जिसे क्षेत्र में जल संकट गहराने लगा है। बड़ी बात तो यह है कि उदयपुर में सारे वीआईपी अधिकारी यहाँ आते रहते हैं जल संकट उभारने के लिए, और अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए, जबकि पंचायत के सरपंच से लेकर सचिव तक ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं। जल संकट से निजात दिलाने के लिए आज तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है। अब रहवासियों में आक्रोश बना हुआ है। इतना ही नहीं, ग्रामीण बताते हैं कि हमें रात को 3 बजे तक नींद खराब करनी पड़ती है और पानी का इंतजाम करना पड़ता है। फिलहाल जल संकट से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने जनसुनवाई में गुहार लगाई है। देखना ये होगा कि अब उनके यहाँ जल संकट दूर होता है या नहीं। पानी की समस्या लेकर आए हैं हम लोग। पानी की बड़ी किल्लत है उदयपुर में। एक ऐतिहासिक जगह होते हुए भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि दूर से पर्यटक वगैरह आते हैं। दूर दराज से 50 गांव लगे हुए हैं, बस स्टैंड नहीं है। पानी के लिए लोग भटकते होंगे, बच्चे स्कूल के बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं है उनके लिए। कई समस्याएं उदयपुर में जल संकट से जूझ रहे हैं। सरपंच से बात नहीं की, सचिव से नहीं कहा आपने? वो लोग कहते हैं 3 करोड़ रुपए की राशि आई है, वो धीरे धीरे काम चालू होगा, काफी समय लगता है, ऐसे गुमराह करते हैं सबको। 7 साल हो गए हैं पंचायत विकास, अभी विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल परेशानी दिख रही है। ठीक है, ठीक। मैं उदयपुर निवासी हूँ, मैं उदयपुर से आया हूँ नल जल योजना के चक्कर में। सर मेरी लेडीज है, रात को 12 बजे 1 बजे पानी भरने जाती हैं। कई जगह ऐसे छेद हुए हैं पाइपलाइन में बिल्कुल क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, और उसके चलते सर हर चीज़ की भ्रष्टाचारी है उदयपुर के अंदर। कुटी है सर, एक भी कुटी नहीं आई, सबके नाम आए, पैसा आ रहा है सर, कुछ भी नहीं लग पा रहा उसमें। और उसके बाद चलिए सर, कई ऐसी लाइन है सर, रोड पर जाम लगते हैं सर, रोड पर मवेशी फिरते हैं सर, उनको पानी